वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ ये वाला लुक शेयर करने वाली हूँ। तो अपकमिंग राखी है तो आप ये वाला लुक भी वेयर कर सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस वीडियो में मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं वो अंडर है 500 रुपीज़। लाइक सब कुछ अंडर 500 रुपीज़ है, तो ये बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप होने वाला है। मैंने लास्टली मेकअप शेयर किया था राखी मेकअप, बट उसमें मैंने थोड़े एक्सपेंसिव प्रोडक्ट थे, बट देन ड्रग स्टोर ही थे, तो उसमें मैंने पूछा था कि आपको अनदर लुक चाहिए क्या अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ, मोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ। तो कुछ एक लोगों ने कहा था कि येस डेफिनेटली हमको चाहिए, तो मैंने सोचा कि ये वाला लुक मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। एंड ये थोड़ा सा डिफरेंट लुक है, इसमें मैंने कोई भी आई शेडो यूज़ किया नहीं है। तो आप बोलोगे आई मेकअप तो किया ही है, तो वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। मैंने कोई स्पेशल आई पैलेट या आई शेडो वगैरह यूज़ किया ही नहीं है। मे बी किसी के पास आई शेडो पैलेट ही ना हो, तो स्टिल यू कैन गेट दिस लुक, यू कैन क्रिएट दिस, दिस इज़ वेरी सिंपल। मैंने जो है आईज़ को काफ़ी सिंपल ही रखा है एंड न्यूड कलर की लिप्स है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और ऐसे ही वीडियोज़ क्रिएट करूँ, लाइक ऐसे ही लुक्स इन्हीं कुछ एक प्रोडक्ट्स को लेके अफोर्डेबल अंडर 500 रुपीज, सो डू लेट मी नो। एंड इस वीडियो को लाइक भी देना सो दैट आई कैन नो यू लाइक अफोर्डेबल मेकअप लुक्स। सो अभी ज़्यादा बात नहीं करते एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ये किस ब्यूटी का प्राइमर अप्लाई करूँगी, एंड ये जो है वो इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है, तो ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। नेक्स्टली मैं ये हाफ एंड हाफ का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। ये मैं फाउंडेशन के पहले यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज फाउंडेशन के ऊपर ये बहुत ही पैची अप्लाई होता है, तो इसलिए मैं फाउंडेशन के पहले ही इसे ब्लेंड कर लूँगी जहाँ भी मुझे हाईलाइट करना है, बिकॉज ये शेड बहुत लाइट है मेरी स्किन के लिए। इसे मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एंड सॉरी मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है। इसके बाद फाउंडेशन के लिए मैं मेबिलिन का फिट मी यूज़ करूँगी। ये बहुत ही अफोर्डेबल है, मीडियम कवरेज है एंड बहुत अच्छा है, तो इसे भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। बाय द वे मेरा शेड 310 है सनबेज। एंड यस, ये समर्स की वजह से मेरी स्किन जो है टैन हो चुकी है। उसके बाद मैं ये फेसिस का कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी। ये भी बहुत अफोर्डेबल है, बट ये थोड़ा सा पाउडरी साइड पे है। उसके बाद आईज़ पे डायरेक्टली मूव ऑन करता है। ये सिवाना का अल्ट्रा ब्लश पैलेट में से ये पीच शेड में अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी। इसे थोड़ा और बिल्ड करूँगी एंड आउटर 1/3 पे ले लूँगी। फिर ये जो हाइलाइटिंग शेड है इसे मैं अपने इनर 2/3 पे अप्लाई करूँगी। आज हम बस इतना ही यूज़ करने वाले हैं अपनी आईज़ के लिए। दिस इज़ वेरी सिंपल। एंड अभी सेम मैं लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई करूँगी। सेम दोनों शेड्स में इक्वल प्रपोर्शन में अप्लाई करूँगी। तो अब मैं दूसरी आई करके भी आपके साथ मिलती हूँ। आई लाइनर के लिए मैं ये NYBAC का वाटर प्रूफ लाइनर अप्लाई करूँगी। ये मेरा फेवरेट लाइनर बन चुका है। एंड मैं एक छोटी सी विंग लाइनर ड्रॉ करूँगी। एंड काजल के लिए मैं स्टे कोकी का यूज़ करूँगी। ये इतना वाटरप्रूफ तो नहीं है बट स्टिल। एंड मस्करा के लिए एसेंस प्लम्प नो क्लम्प, यस यही नाम है। ये मुझे इतना नहीं पसंद है बट डिसेंट है। देन फेस पे मूव ऑन करते हैं वापस। तो मैं ये सिवाना का सेम पैलेट में से मैट ब्राउन शेड ले लूँगी कॉन्टोरिंग एंड ब्रॉन्जिंग के लिए। ये पैलेट बहुत ही मल्टीपर्पज़ यूज़ है। आपने देखा मैंने कैसे इजीली इससे यू नो आई लुक्स भी क्रिएट कर लिया। तो अब ये ओडबो में से मैं ये पिंक ब्लश लूँगी। मुझे पीच ब्लश नहीं चाहिए था, पिंक चाहिए था, इसलिए मैंने दूसरे किट में से ले लिया। हाइलाइटिंग के लिए इन कलर का बेकिंग हाइलाइटर इन द शेड हाई बीम, यस फर्स्ट हाई बीम। ये भी बहुत अफोर्डेबल एंड अच्छा हाइलाइटर है। इसे मैं अपने ब्राउ बोन पे भी अप्लाई कर लूँगी। देन एक छोटे से ब्रश की हेल्प से इनर कॉर्नर्स में भी। यू कैन सी ये कितना लुक चेंज कर देता है। देन मूव करते हैं लिपस्टिक पे। तो ये मैं लैक्मे की एनरिच मैट लिपस्टिक यूज़ करूँगी। शेड का नाम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। उसके ऊपर मैं ये मेबेलिन की पाउडर मैट यूज़ करूँगी इन दी शेड टच ऑफ न्यूड।
ये हमारा फाइनल लुक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड डोंट जस्ट गेट इन टू माई हेयर्स, दे आर अनमैनेजेबल टूडे। आज वो मेरा सुन ही नहीं रहे है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।